हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाभिकीय भौतिकी के बारे में, बात करने वाले नाभिक के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने कल बोला था कि आपसे रेडियो एक्टिविता के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज रेडियो एक्टिविता के बारे में नहीं पढ़ेंगे और नाभिक के संगठन वगैरह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट गई थी कल वाले क्लास में, नहीं करवा पाया था, उनको मैं करवाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आज की क्लास आप मिस करते हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान में रहते हो, क्योंकि ये क्लास से एक क्वेश्चन 100% आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक मार्क्स के क्लास से आज की इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी उठ सकता है, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, अपने उन सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर पहुँचा देना। तो अपन ने कल पढ़ लिया था कि नाभिकीय संगठन और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ा देता है, ये सब क्या होती है, नॉर्मल चीज़ें बताई थी। लेकिन इसके अलावा जो अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम लाइक कुछ चीज़ थी वो छूट गई थी कल वाले क्लास में, नहीं करवा पाया था, तो वो आज मैं आपको करवाऊंगा। आज पीडीएफ में से आपको कुछ भी नहीं करवाने वाला, आज जो भी मैं नया चीज़ करवाने जा रहा हूँ वो सब आपको सामने लिखूंगा और उस चीज़ को आपको नोट करते चलना है। क्लास लंबी होगी, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूँ, तो क्वेश्चन भी एंड तक देखना, क्लास छोड़ के जाएगा तो उसी का नुकसान होने वाला है। और क्लास अगर आप टाइम से नहीं देख पाते हो तो एक बार ध्यान रखा करो, आपके लिए ये रिकॉर्डेड क्लास हमेशा के लिए अवेलेबल रहती है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाभिक के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि 1911 में, कब 1911 में रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज की थी किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। कब 1911 में किसके द्वारा की थी, एल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा इसकी खोज की थी, कब 1911 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, सन के बारे में पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकता है कि किसने नाभिक की खोज की थी, कब की थी, किसके द्वारा की थी। तो एल्फा कण प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा, एल्फा कण प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, कब की थी, 1911 में। तो ये चीज़ नोट कर लेना, आपकी बुक्स में ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, तो एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपके लिए ये लेकर बता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको नोट करना जरूरी है। जो चीज़ बुक्स में वो तो है इसे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ों में आपके लिए टाइम से टाइम अपडेट करवाता रहता हूँ, ये चीज़ें आपको नोट करना। आज का जो भी पढ़ाऊंगा मटेरियल, पूरा मटेरियल आपको अलग से ही लिखना है, पूरा नोट्स बनाने हैं, नोट्स अलग से लिख लेने हैं आज के, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविता, जो रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविता इसकी खोज की। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसने की थी इसके और कब की थी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल जब हम रेडियो एक्टिविता पढ़ेंगे तो अपने को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी 1896 में की थी किसने, बेकेरल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, बेकेरल के द्वारा खोज की थी किसकी, रेडियो एक्टिविता की। तो ये चीज़ नोट कर लेना, रेडियो एक्टिविता की खोज 1896 में बेकेरल के द्वारा की गई थी। आप सभी को क्लास अगर अच्छी लगती है लाइक करना और उन सभी फ्रेंड्स में शेयर करना जिन स्टूडेंट्स को आप जानते हो और आपके क्लासमेट थे वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको बताना नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, आज के टाइम पर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जब से नीट से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तब आपको पता लगेगा कि 1,00,000 रुपये देने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको पता लगेगा। यहाँ आपको फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को अभी ये लग रही है ओनली मजाक लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, आप सभी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप जब 1,00,000 रुपये देकर भी आप एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो तब पता लगेगा आपको अभी जो हो रहा है अभी क्या था और उस टाइम पर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लेना, आगे चलते हम। हाइड्रोजन एक ऐसा अपवाद है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन एक ऐसा अपवाद है जिसमें न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन नहीं होता, लिख लेना न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। जबकि हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ठीक है। तो इनमें कितने कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम में होता है आपका एक न्यूट्रॉन होता है, किसमें, ड्यूटेरियम में, एक मिनट, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एक होता है, एवं एंड एक होता है ट्राइट्रियम, 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 इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है दो। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी, तीन, दो होती है। जब आपसे पूछा जाए कि जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ड्यूट्रियम, उसका परमाणु भार कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि परमाणु भार का क्या फॉर्मूला, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है परमाणु का, वो कितना होता है, ए इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो जेड कितना होता है हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन का कोई सा भी समस्थानिक हो, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु भार तो सेम होता है, लेकिन उनका जो परमाणु भार तो अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो सेम होता है। तो चाहे ड्यूट्रियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ट्राइट्रियम हो, सभी का जेड कितना होगा, एक होगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, हम किसका निकाले, ड्यूट्रियम का निकाले, ड्यूट्रियम का परमाणु भार निकाले, तो ड्यूट्रियम के लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक होती है, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, दो हो गया, तो इसका परमाणु भार चेंज हो गया। जबकि आप सभी को पता है जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का जो परमाणु भार होता है दो होता है। इसी प्रकार जो ट्राइट्रियम होता है, ट्राइट्रियम का परमाणु भार कितना होता है, तीन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे मैं परमाणु भार के वगैरह फॉर्मूले आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है नहीं करना। आज की क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास से एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन इस क्लास से 100% आपका एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। तो आप सभी इसको मजाक मत समझना, मजाक मत लेना, क्लास एंड तक देखना। अगर आप क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी हो तो क्लास को दोबारा से, क्लास खत्म होने के बाद अगर आप लाइव देख रहे हो या प्राइमरी में देख रहे हो तो आप क्लास खत्म होने के बाद इसको दोबारा से देखना, तभी आपको इसके क्लास से प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रॉपर इस क्लास के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि इसके नोट्स, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। बुक्स में मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बोलेंगे कि जैसे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, वो चैनल वाले बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मैं उन सभी कैंडिडेट से बता दूं कि वो इस क्लास को ना ले, वो क्लास को छोड़ के चले जाए, क्योंकि जो वो बड़े बड़े चैनल है, वो जो मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो पूरी दुनिया का मटेरियल आपको दे रहे हैं, पूरी दुनिया का मटेरियल है जो आपको दे रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ओनली नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के, तो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो मटेरियल आपका आने वाला है वो बस इतना ही आने वाला है जो मैं यहाँ इस क्लास में करा रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया का मटेरियल पढ़ना चाहो तो आप जा सकते हो चैनल को छोड़ के, बट ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। बाकी अगर आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, आरएचएस की करनी हो, चाहे कोई सा नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से तैयारी करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, 30+ क्वेश्चन की गारंटी मैं इस चैप्टर, इस क्लासों से ले रहा हूँ। जो क्लास आपकी 3 बजे क्लास होती है, इस क्लास से मैं 30+ क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इसी क्लास में से आने वाला है, क्योंकि 33 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में से, फिजिक्स के आते हैं, लेकिन इसमें से 30 क्वेश्चन तो इसी क्लास से आपके लिए आने वाले हैं। तो आप क्लासों को रेगुलर देखिए, जित हो सके तो अब आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अपने व्यू 200 से ज़्यादा नहीं जाते, तो आप सभी से रिक्वेस्ट इतना शेयर करें कि ये व्यू 500+ हो जाए। 500+ हो जाएंगे तो आप ही के लिए प्रॉफिट रहने वाला है, अच्छी क्लास है, और ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास है आपके लिए लाने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए आगे चलते हैं, हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन तो प्रकृति में, सब आपको नोट लगा के लिखना है। आज सबकी जो चीज़ें मैं लाइन टू लाइन लिखवाऊंगा वो लाइनें लिखनी है, और लाइनों से क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो प्रकृति में, प्रकृति, इलेक्ट्रॉन तो प्रकृति का एक मूल कण है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रकृति का एक मूल कण है। क्या है, एक मूल कण है, परंतु ये चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन तो प्रकृति का एक मूल कण है, परंतु वस्तुतः जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, वो शुद्ध मूल कण नहीं है। क्या है, शुद्ध मूल कण, शुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉन तो प्रकृति का एक मूल कण है, परंतु वस्तुतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शुद्ध रूप से, इसको आप हिंदी में भी लिख लेना साथ में, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ताकि आपको बाद में समझने में परेशानी नहीं आए, शुद्ध रूप से मूल कण नहीं है। क्या नहीं है, शुद्ध रूप से मूल कण नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना।
इसे क्या मूल कण नहीं है क्योंकि ये अन्य कणों जिन्हें जो इनमें अन्य कण मिक्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो अन्य कण मिक्स होते हैं ये शुद्ध रूप से मूल कण नहीं है क्योंकि ये अन्य कणों जिन्हें क्वार्क कहा जाता है, जो इनमें अन्य कण मिक्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्वार्क कहा जाता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनमें क्या होता है, क्वार्क पाया जाता है, इनको क्या कहा जाता है, क्वार्क कहा जाता है। जिन कणों को अन्य कणों जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। बात करेंगे हम प्रोटोनों की संख्या, तब परमाणु प्रोटोनों की संख्या जो होती है, प्रोटोनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो क्लास को रोक के स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बना सकते हो, थोड़ा सा अपसलो चलूँगा ताकि आप आराम से नोट कर सको। ठीक है, प्रोटोनों की जो संख्या होती है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा है, प्रोटोनों की संख्या, एक क्वेश्चन भी मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक जेड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, जो प्रोटोनों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक जेड भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। एक चीज़ और नोट करना, जितने प्रोटोन होंगे नाभिक में, प्रोटोनों की संख्या जितनी होगी उतने ही क्या होंगे, प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है सभी लगभग परमाणु। ठीक है, सभी परमाणु में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो उदासीन होते हैं, मतलब ये चीज़ याद रखना, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या सेम होती है। अगर मान लो धन आवेशित हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, अगर ऋण आवेशित है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लो, दोबारा से इसको लिखो, उदासीन परमाणु में जेड इज इक्वल टू ई, यानी कि क्या होता है, जेड क्या है परमाणु क्रमांक और ई क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटोनों परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं आप, प्रोटोनों की संख्या भी बोल सकते हैं, तो सेम होता है। लेकिन ऋणावेशित परमाणु में जो जेड होता है, ऋणावेशित परमाणु में जेड कम होता है किसे, इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। अगर धनावेशित परमाणु में जेड ज़्यादा होता है किससे, ई से, यानी कि इसमें प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उदासीन परमाणु के बारे में, ऋणावेशित परमाणु के बारे में या धनावेशित परमाणु के बारे में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या आता है, जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसे न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, और न्यूक्लियॉनों को इसके बारे में हम नोट कर लेना आप सभी, जो आपका एक मिनट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन, और इससे ही परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है, इसे ही परमाणु द्रव्यमान निकाला जा सकता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान भी इसे ही बोला जाता है, या न्यूक्लियॉनों की संख्या इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है, इसे ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आप सभी से पूछा जा सकता है कि इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें, तो कोई से परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या होगा, उसका जेड पता होना चाहिए, जेड या पी जो भी लिखा हुआ है इसे प्रोटॉन के हिसाब से लिखा है, लेकिन इसे आप जेड भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या या परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, जेड प्लस एन, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, यहाँ द्रव्यमान, यहाँ प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इनको ऐड करेंगे तो अपने पास द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाती है। ठीक है, इसे आप प्रोटोन तो मैंने शॉर्ट पी लिख दिया, इसे तो जेड लिख लेना आप, ठीक है, वो सही रहेगा। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जेड क्या है यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या, एन क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या, उस दोनों को अगर जोड़ते हैं अपने पास न्यूक्लियॉनों की संख्या आ जाती है या द्रव्यमान संख्या आ जाती है। अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियॉनों की संख्या पूछे तब भी इन दोनों का योग आएगा, और द्रव्यमान संख्या पूछे तब भी इन दोनों का योग आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रिक और प्रतिदर्पण नाभिक और आइसोमर्स के बारे में हम बात करेंगे।
जो आरबीएससी के बुक्स में ही है, ओनली एनसीईआरटी के बुक्स में, यह इतने सारे के नहीं है। एनसीईआरटी के बुक्स में आपको ओनली समस्थानिक और समबारीक ही देखने को मिलेगा, सम न्यूट्रॉनिक देख लोगे आप, लेकिन प्रतिपय दर्पण नाभिक और आइसोमर आप एनसीईआरटी के बुक्स में नहीं देख पाओगे, उसमें ये कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो इसी जगह आपको देखने को मिलेगा। और इसी चीज़, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका आएगा, क्या 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं समस्थानिक नाभिक में प्रोटोनों की संख्या जेड, तो समस्थानिक की बात करते हैं, लिख लेना आप समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटोनों की संख्या, यानी कि प्रोटोनों की संख्या, यानी कि जेड प्रोटोनों की संख्या, तो जेड लिख रहा हूँ, आप लिख लेना हिंदी में, प्रोटोनों की संख्या तो समान होती है, प्रोटोनों की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या होती है, भिन्न होती है, क्योंकि समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, भिन्न होती है। तो आप जैसे एग्जांपल, आप सभी को एग्जांपल पता है, इसे ही क्या एग्जांपल है, एग्जांपल हाइड्रोजन एक, ठीक है, डी एक टू ट्राई एक थ्री, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है तीनों, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम, ये तीन समस्थानिक किसके रखे गए हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, तो इनमें देख सकते हो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, और इनमें जो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, सेम है। तो आप देख सकते हो, आप पता लग ही रहा है कि ये समस्थानिक है, क्योंकि इनके स्थान तो सेम है लेकिन इनका द्रव्यमान अलग अलग है। अब द्रव्यमान अगर अलग अलग हो जाता है तो उनका न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग आएगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जीरो आएगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, तो आप सभी को पता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस एन होता है, ठीक है। एन निकालना है अपन को, तो ए माइनस जेड, तो ए कितना है, तीन दे रखा है, दो में से एक जाएगा तो एक बच गया, यहाँ तीन में से एक गया तो दो बच गया, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या अलग अलग आ रही है, तो ये सभी क्या हो गए, समस्थानिक होते हैं। आप सभी को आज की क्लास आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, ये कमेंट करके आपको बताना है, और आप सभी के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि आप क्लासों को जरूर शेयर करा करें, ताकि सभी को समझ में आ सके, ठीक है, और सभी को पता लगे कि क्लासेस सभी के लिए चल रही है। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला, आप सभी इस क्लास का नोट्स अभी लाइव इस क्लास में नहीं बना सकते, चलती क्लास में, तो आप क्लास को दोबारा देख के ये क्लास के नोट्स बना लेना। आज की क्लास में 100% एक क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो आप सभी क्लास को मिस मत करना। अगर आप कोई फ्रेंड नहीं आया और आपके कांटेक्ट में हो, चाहे इंस्टा व्हाट्सअप किसी भी तरह से कांटेक्ट में हो, तो इस क्लास के बारे में उसे ज़रूर बता देना, ठीक है। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास है आज की, तो बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं संबारिक क्या होते हैं, संबारिक के बारे में हम बात करेंगे। तो संबारिक लिख लेना आप सभी साथ के साथ, लिख सको तो लिख लेना, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर बाद में दोबारा से क्लास लेके पढ़ सकते हो। संबारिक क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या ए या न्यूक्लियोनो, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियोनो की संख्या, इसे न्यूक्लियोनो की संख्या भी आ सकता है, आपके जो न्यूक्लियन होते हैं न्यूक्लियन की संख्या भी आ सकती है किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में, कि क्या न्यूक्लियन की संख्या अलग हो सकती है। समबारिक क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, समान होती है लेकिन जेड न्यूक्लियन द्रव्यमानों की संख्या तो समान होती है, लेकिन उनमें क्या जो जेड होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक वह न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक ही भिन्न हो सकता है या न्यूट्रॉन भी भिन्न हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है भिन्न होगा, दोनों भिन्न होते हैं, जेड भी भिन्न होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होगी, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संबारिकों में न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या समान होती है, जेड जो आपका प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है। सब न्यूट्रॉनिक नाम से पता लग रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो समबारिक का। अब नाम से पता लग रहा है, इनका सबका नाम से पता लग रहा है। समस्थानी का मतलब जिनका स्थान सेम हो, समबारिक का मतलब जिनका जो जिनका बार में उनका सम्मान हो यानी कि द्रव्यमान में सेम है। सब न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो बात करते हैं सब न्यूट्रॉनिक की। तो सब न्यूट्रॉनिक में क्या होने वाला है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जेड वो ए यानी कि प्रोटोनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना किसके लिए, सब न्यूट्रॉनिक के लिए। किसकी बात होगी, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो सेम होती है लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है, तो इसे बोला जाता है सब न्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन अगला जो आप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में आपको नहीं दे रखा और एनसीईआरटी आपको कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगा और ये आरएचएस के सिलेबस में ये चीज़ है, तो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रतीप या दर्पण नाभिक किसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है प्रतीप या दर्पण नाभिक किसे बोलते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक जिनमें द्रव्यमान संख्या तो सेम होती है, ऐसे नाभिक नोट कर लेना ये चीज़ भी, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या तो सेम होती है, क्या होता है, द्रव्यमान संख्या तो सेम होती है बट परंतु जेड एंड न्यूट्रॉन परस्पर एक्सचेंज हो जाते हैं। जेड प्रोटोनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, परस्पर एक्सचेंज हो जाते हैं यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नाभिक जिनमें ए तो सेम है बट जेड ओ मतलब परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर एक्सचेंज हो जाते हैं यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, प्रतीप या दर्पण नाभिक बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, कहीं पढ़ने को नहीं मिला होगा, आपने पढ़ा भी नहीं होगा प्रतीप और दर्पण नाभिक क्या होता है, बट ये आरएचएस के सिलेबस में, इसलिए मैंने आपके लिए आज ये क्लास ली है। इसमें आज अपन इसी को पढ़ेंगे, कल रेडियोएक्टिविटी के बारे में कल स्टार्ट करेंगे। आज कुछ भी नहीं छेड़ने वाले रेडियोएक्टिविटी के बारे में, आज के हर पॉइंट आपके पास नोट होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, जो इसमें समस्थानिक, संबारिक और सम न्यूट्रॉनिक और दर्पण नाभिक और इनमें बचा हुआ लास्ट टॉपिक है आइसोमर, यानी कि आइसोमर जो है आपका आइसोमर समावेवी नाभिक में ए और जेड समान होता है किंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर जो समावेवी होते हैं, समावेवी ए में ऐसे नाभिक होते हैं, समावेवी के लिए ऐसे नाभिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक भी सेम होगा, परमाणु क्रमांक एंड जेड दोनों सेम होते हैं किंतु उनके रेडियो एक्टिव गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें ए एंड जेड समान होते हैं, क्या होते हैं, ए एंड जेड समान होते हैं किंतु यानी कि परंतु बट रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रियता के जो रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं। आइसोमर ऐसे नाभिक हैं जिनमें ए एंड जेड दोनों समान होते हैं बट रेडियो एक्टिव गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। आइसोमर के बारे में मैंने बता दिया, दर्पण नाभिक के बारे में मैंने बता दिया, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में मैंने बता दिया और समबारिक के बारे में मैंने बता दिया और समस्थानिकों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो आगे अपने आता है नाभिक का जो आयतन, नाभिक के प्रभावी त्रिज्या, इनके बारे में हम देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करके आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाभिक की, जो नाभिक को अगर अपन गोलाकार मानते हैं, तो ये चीज़ लिखना आप कि नाभिक को अगर हम गोलाकार मानते हैं, नाभिक को गोलाकार नोट लगा के लिख लेना, गोलाकार मानते हैं तो नाभिक की त्रिज्या 10^14 यानी कि 10^-14 कोटि की होती है। तो ये चीज़ नोट कर लेना कि यदि हम नाभिक को गोलाकार माना जाता है तो 10^-14 कोटि की होती है।
अगर बात करते हैं नाभिक के प्रभावी त्रिज्या के बारे में, तो नाभिक की प्रभावी त्रिज्या ज्ञात करने का लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला रहेगा वो यही फॉर्मूला रहने वाला है नाभिक। ये चीज़ लिख ली ना आपने, इसको नोट कर लो आप, फिर दोबारा से अगले पेज भी लिखते हैं इसको क्लीन करके। नाभिक में नाभिक को यदि हम गोलाकार मानते हैं, क्वेश्चन बनेगा ऐसे बनेगा तैसे बनेगा कि यदि हम नाभिक को गोलाकार मानते हैं तो नाभिक का जो गोलाकार मानते हैं तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होगी, तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होगी 10^-14 की होने वाली है, ठीक है, मीटर, 14 मीटर, इसमें मीटर भी साथ में कंसिडर कर लेना, 10^-14 मीटर की कोटि होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के, जो नाभिक की प्रभावी त्रिज्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। नाभिक की कोटि की, नाभिक की प्रभावी त्रिज्या निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है R=R0 a^-1/3, यानी कि 1/3, यानी कि इसका अपन को घनमूल निकालना है a का। a क्या है यहाँ पे, a यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। R क्या है, प्रभावी त्रिज्या हो गई, और R जो R नोट है, R नोट क्या है यहाँ पे, एक नियतांक है जिसका वैल्यू कितनी होती है, नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 10 की, इसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10^-15 मीटर, या इसको इस फेमटो में लिख सकते हैं 1.2 fm, fm क्या है यहाँ पे, फेमटो या फर्मी बोल सकते हैं, फेमटो मीटर या फर्मी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन आपको आगे करवाने वाले, तो फॉर्मूला सभी याद रखना, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो इसका, ये फॉर्मूला आप जल्दी से नोट कर लेना, इसी फॉर्मूले से आपको एक क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक में सब, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नाभिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नाभिक के बारे में फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, नाभिक की त्रिज्या या नाभिक की दूरियों को फेमटोमीटर, जिसे फर्मी भी कहा जाता है, के द्वारा मापी जाती है, जो नाभिक की दूरियाँ होती है, नाभिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाभिक की दूरियों को या नाभिक के दूरियां या त्रिज्या को, या नाभिक के त्रिज्या को फेमटोमीटर, यानी कि फर्मी, जिसे फर्मी कहा जाता है, फेमटोमीटर या जिसे फर्मी कहा जाता है, आज की क्लास मैंने पूरी लिखे बताइए तो आपको समझ में कैसी आई ये भी बताना आपको, जिसे फर्मी भी कहा जाता है के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, के द्वारा मापा जाता है, यानी कि फर्मी को fm भी बोल देते हैं, fm, ठीक है। एक फर्मी बराबर एक फेमटो मीटर = 10^-15 मीटर, ठीक है, तो एक फर्मी बराबर एक फेमटो मीटर = 10^-15 मीटर होता है। बात करते हैं नाभिक, ये तो हो गया आपका नाभिक के प्रभावी त्रिज्या के बारे में सारी बात हो गई, अब लास्ट में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करके क्लास को हम ख़त्म करेंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही नहीं लग रही कमेंट करके बताना, क्लास ख़त्म होने के बाद आज की क्लास किस किस को समझ में आई, किस किस को नहीं आई, तो क्यों नहीं आई वो भी रीज़न मेरे के साथ कमेंट करना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, मैंने क्या गलती की क्या गलती नहीं की वो आप बता सकते हो, तभी मुझे पता लगेगा, मेरी कमी भी आपको बताना होगा तभी आपको पता लगेगा, लेकिन आप बिना बताए डिसलाइक करके जाओगे, कमी बताए बिना डिसलाइक करके चले जाते हो, या कुछ कमेंट में गलत बोल के चले जाते हो, तो उससे मेरे को समझ नहीं आया कि आपको क्या कमी लगी। आप मुझे कमी बताओ कि हाँ ये कमी है, जैसे ये सुधार करो तब क्लास हमें अच्छी लगेगी और समझ में आएगी, तो मैं वो सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगला जो फॉर्मूला है, नाभिक का आयतन ज्ञात करें, अगर नाभिक का आयतन अपन से पूछ लेता है एग्जामिनर, नाभिकीय आयतन, अभी मैं नाभिक के आयतन का भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, चलो साथ का साथ ही, नाभिक के आयतन अपन से पूछ लेता है, नाभिक के आयतन ज्ञात करेगी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो नाभिक के आयतन ज्ञात करने के लिए V = 4/3 πr² क्या होता है, πr³, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, एक गोले के आयतन का, जो गोला होता है, संपूर्ण गोला होता है, संपूर्ण गोले के आयतन का ये होता है। नाभिक क्या है, नाभिक को अपने गोलाकार मानकर ही हम उसका आयतन, उसकी त्रिज्या वगैरह निकाल रहे, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें R की वैल्यू अपन को पता है, R की वैल्यू क्या था, अपन ने पहले निकाला था, R = होता है R0 a^1/3, ठीक है, तो इसको अपन इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 4/3
पाई जैसा का जैसा, और अगर इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं तो आर की तो पावर 3 हो जाती है, लेकिन इसमें अगर इसको 3 से इसकी स्क्वायर क्यूब करेंगे तो ये इससे से गुणा होगा, तो ये ना क्या हो जाएगा, ए जैसा का जैसा ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपन पास किसका निकल कर आ जाएगा, नाभिक के आयतन का फॉर्मूला अपने पास निकल कर आ जाता है। अगर अपन को नाभिक की त्रिज्या दे रखी है तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे, अगर अपन को द्रव्यमान दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालेंगे। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इजी तरीके से आपका ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इससे मैं दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका करवाऊंगा, उसमें आपकी नाभिक की त्रिज्या भी निकलवा लूंगा और साथ में नाभिक के आयतन भी मैं आपका करवा लूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको लिख लेना है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन लिख लेना आपको AL, यानी कि AL एल्युमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है कितनी होती है, 27 होती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 27 होती है, आप सभी को पता है। इसका क्या क्या निकालना है अपन को, R निकालना है, नाभिक के प्रभावी त्रिज्या निकालनी है, और इसका निकालना है अपन को आयतन, क्या निकालना है, नाभिक के आयतन भी अपन को निकालना है। तो दोनों चीज़ें अपन को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो अपन को अभी करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये चीज़ अपन को दे रखी है। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं आर, आप सभी को पता है आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अपन पास आर क्यूब, पहले सबसे पहले अपन को आर तो वैसे ही निकालने, तो आर निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। अब इसमें 27 दे रखा है और आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू अपन को पता है, इसे 1.2 एफएम में लिख लेते हैं, एफएम में आंसर निकालेंगे इसका। तो 1.2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपन ने देखा था कि एक इसमें 1.10 की जो ये होता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, इसको अपन 1.2 एफएम भी लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, इसको 1.2 में ही एफएम है, इसका आंसर निकालने वाले हैं, तो इसको सीधा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू 27 यहाँ रखेंगे और इसकी पावर 1.1/3 रहेगी, तो ये मतलब घनमूल हो जाएगा, तो कितने आएगा, 3 आ जाएगा इसका। तो राइट आंसर कितना हो गया इसका, 3.6 हो गया। 3.6 को इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर आपको आंसर दूसरे दे रखे हो, मीटर में दे रखा हो, 10^15 मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये तो क्या निकल कर आ गया अपने पास, ये निकल कर आ गया अपने पास प्रभावी त्रिज्या। बात करते हैं जो आयतन, नाभिक के आयतन, नाभिक के आयतन किस प्रकार निकलेंगे, डायरेक्ट अपन को आर की वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकाल लेना है। 4/3 पाई की वैल्यू होती है कितनी, पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 फेमटोमीटर में निकाल लेते हैं, इसको भी 3.6 इंटू 3.6, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 7 से लगभग 5 बार कट गया 35, ठीक है। इसके साथ 3 से ये कट गया 1.2 के रुक के लगभग बराबर, और 2 से ये कट जाएगा, इसको निकालते हैं, इनको जब हम सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास आंसर निकल कर आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। एक मिनट इसका आंसर भी अपन निकाल लेते हैं, आगे सोल्व करते हैं अपन। तो ये 7 तो कट गया था, क्या बचता है अपने पास, 4 × 22 × 3.6 × 1.2 × 5/10, ये लास्ट में अपने पास बच जाता है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 190.08 आंसर एफएम क्यूब अपने पास राइट आंसर हो जाएगा, तो जो नाभिक का आयतन रहेगा वो इतना होने वाला है। तो आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, कमेंट करके बताना कॉमेंट बॉक्स में, और साथ में अगर आप लाइक करना चाहते हो लाइक तो कर ही देना, शेयर जरूर करना, लाइक करो या मत करो बट शेयर करना काम है, तो शेयर कर जरूर देना, और कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई। अगर आपको चार तरह से हैं कि अगर आपको चार ऑप्शन है, ए आप जैसे नहीं लिखो, ए परसेंट नहीं लिख सकते, तो ए बी सी डी आपको लिख देना है। अगर ए लिखते हो तो 100% आपको समझ में आई, मतलब 75 से, एक मिनट, अगर आप ए बी सी डी चार रेटिंग है इसमें, आपको रेटिंग देनी है आज की क्लास में, अगर आपको 75 से 100 के बीच में आई तो ए लिख देना, अगर 50 से 75 के बीच में आपको समझ में आई, 80% समझ में आई तो बी लिख लेना, और आपको आई 25 से 50 के बीच में आई तो आपको सी लिख देना, और आपको आई 0 से 25% ही समझ में आई तो डी लिख देना। ये चार आपको रेटिंग देनी है आज क्लास में, रेटिंग कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।